हेलो स्टूडेंट, मैं कैसी हूँ? आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये यूजीसी नेट में नहीं बल्कि अदर जो एग्जाम होते हैं उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सूची दी गई है और उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारते थे, बिंदुसार को किस नाम से पुकारते थे, अशोक को प्रियदर्शी नाम से पुकारते थे, चाणक्य को विष्णुगुप्त से। तो इस तरह से जो है दो, तीन और एक और चार, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी लेखकों ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस आदि नामों से क्या है अभिव्यक्त किया है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका समय था। चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोकेडीस कहा है, जिसका संस्कृत में होता है अर्थ अमित्रघात। तो अमितघात भी याद रखना है और अमित्रोकेडीस भी याद रखना है। और ये किसके लिए यूज हुआ है, ये नाम जो यूज हुआ है बिंदुसार के लिए, किसके लिए, बिंदुसार के लिए यूज हुआ है। अशोक जो है, अशोक का टाइम पीरियड देखते हैं, 273 से लेके 232 ईसा पूर्व इनका समय रहता है। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। उनके अभिलेखों में सर्वत्र इसे देवनाम प्रिय या देवानी प्रियदर्शी राजा और तथा प्रियदर्शी के रूप में संबोधित किया है, मतलब देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय मास की। और ये जो नाम है मास की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगोलम, इन चारों जगहों में इसका नाम अशोक मिलता है। तो कई बार यूजीसी नेट ये भी पूछता है कि मास कौन से निम्नलिखित में से कौन सी जगहों पर अशोक का नाम जो है अशोक ही मिलता है। तो मास की, गुर्जरा, नेतूर और उदय गोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार का प्रधानमंत्री थे ये। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का नाम जो है विष्णुगुप्त भी था और वह तक्षशिला का ब्राह्मण था। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत और स्रोतों से विवादित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अशोक का 13वां शिलालेख जो है ये बताता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था, ये बताता है हमको अशोक का 13वां शिलालेख। तो केवल दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक ने 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्रदान प्राप्त की है, सूचना प्राप्त होती है। विजयोपरांत कलिंग में दो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। पहला है उत्तरी केंद्र, राजधानी तोसली थी, और दक्षिण केंद्र, राजधानी जौगढ़ थी। जब युद्ध खत्म हो गया तो यहाँ पर दो केंद्र स्थापित किया, एक तोसली और दूसरा दक्षिण केंद्र जौगढ़। कलिंग का प्राचीन राज्य जो है वर्तमान उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। कलिंग जो है अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य से हमें कलिंग के शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। 13वां शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है, मतलब यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार उल्लेख हुआ है। तो ये है कि इसमें 150,000 व्यक्ति बंदी निर्वासित कर दिए गए, 1,00,000 लोगों की हत्या कर दी गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मर गए।
युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमिकों तथा गृहस्थों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो ये बातें मिलती हैं अशोक के 13वां शिला लेख से। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया था? मतलब तीर्थ यात्रा करने गए थे तो उन्होंने कौन सा मार्ग अनुगमन किया, ये सारे के सारे हमको यहाँ पर एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद आएगा कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद आएगा गया, गया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद जो है श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आ जाएगा कुशीनगर। तो सबसे पहला है लुम्बिनी और लास्ट में कुशीनगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने की काफी उम्मीद है कि इस तरह से क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछ सकता है। आगे देखते हैं। अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की। अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान में मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ हमारा है दिव्य दान, इसमें ये मिलता है कि सबसे पहले वो लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु गए, बोध गया गए, सारनाथ गए और फिर श्रावस्ती और कुशीनगर गए। तो ये क्रम है, बिल्कुल आपको इसी क्रम में याद रखना है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। आगे देखते हैं। देवनाव प्रिय की उपाधि धारण करने वाले सिर्फ दो थे, एक अशोक थे और एक उनके बाद के राजा हुए हैं दशरथ। तो एक और दो यहाँ पर सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या पर नजर डालते हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उनके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाव प्रिय या देवानी ये दसी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ भी अशोक की तरह जो है देवानी प्रिय की उपाधि धारण करता था। आगे देखते हैं। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो एक तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था और अशोक ने भी दिया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ईसवी सन के पश्चात शक शासक रुद्रदमन ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई तथा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया। आगे स्कंदगुप्त ने भी सौराष्ट्र यानी कि गिरनार में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया। आगे है अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था? तो यहाँ पर स्कंदगुप्त हो जाएंगे। स्कंदगुप्त ने भी सौराष्ट्र में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाता है? तो चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त, इन सभी ने जो है सौराष्ट्र अचल में संसाधन व्यवस्था पर धन दिया था। और उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गिरनार क्षेत्र में, तो चंद्रगुप्त और अशोक ने दिया। बाकी यहाँ पर जो है धन देने की बात हो तो धन देने की बात में चंद्रगुप्त मौर्य भी हो जाएंगे, स्कंदगुप्त भी हो जाएंगे, अशोक भी हो जाएंगे, रुद्रदमन भी हो जाएंगे। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ए और आर यहाँ पर है, असर्शन और रीजन। तो
अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पर सही है और ए और आर का स्पष्टीकरण है। अब स्पष्टीकरण के लिए हमको क्या करना है कि ये जो असर्शन और रीजन में यहाँ पर बीच में क्योंकि लगा के जोड़ना है। अगर क्योंकि लगा के सेंटेंस हमारे ठीक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तब तो दोनों चीजें सही हो जाती हैं, अगर क्योंकि लगाने पर अगर चीजें सही नहीं होती हैं तो फिर देखना होता है कि ए सही है या आर सही है, तो या फिर दोनों सही हैं लेकिन उसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लगा के देखते हैं तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। तो दोनों ही चीजें सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही हो जाती है। यहाँ पर व्याख्या इसकी देख लेते हैं, कलिंग विजय जो है मगध तथा भारतवर्ष के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। यह विजय तथा साम्राज्यवादी विस्तार की उस नीति का अंत करती है जिसका प्रारंभ बिंबिसार ने अंग्य देश पर विजय प्राप्त करके किया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई की थी। अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा वहां के विनाश का वर्णन है। कलिंग उस समय एक प्रबल एवं शक्तिशाली राज्य था जो अशोक के समय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। प्राचीन भारत में कलिंग का महत्व भौगोलिक एवं सामुदायिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक था। इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय एवं समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। उसने कलिंग को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखते हैं, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था क्योंकि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो यहाँ पर भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, एक विद्रोह की बात हो रही है, और यहाँ पर मौर्य कालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो यहाँ पर जो चीजें सही हो जाएंगी वो है सिर्फ ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अगर क्योंकि भी लगाते तब भी ये वाला ऑप्शन जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। और फिर देखते हैं कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, तो ये एक ऑप्शन सही हो जाता, बाकी कृषकों ने विद्रोह किया था ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ए सही है, परंतु आर जो है गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन यानी कि आंध्र वंश के शासकों ने किया था। भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषक विद्रोह का विवरण इतिहास में नहीं मिलता है, अतः कथन ए सही है और आर हमारा गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था क्योंकि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना जो है विघटित कर दी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ए सही है परंतु आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेना विघटित कर दी थी, ये वाला चीज यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या पर, तो मौर्य साम्राज्य के पतन जो है अशोक की मृत्यु के पश्चात आरंभ हो गया था। इसका मुख्य कारण जो है योग उत्तराधिकारी का अभाव, प्रशासन का आधिकारिक केंद्रीकरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, पदाधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार आदि था। अशोक ने धम्म विजय का अनुसरण किया था, उनके प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपनी सारी सेना को भंग कर दिया था।
क्योंकि अभिलेखों में इस बात की जानकारी मिलती है कि उसकी सैन्य शक्ति पूर्व की भांति क्या थी, विद्यमान थी। अतः जो आर जो है गलत हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? नहीं वाला बताना है यहाँ पर। वह है राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, वह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। तो आर्थिक जीवन का वर्णन तो इसमें क्या है, हुआ ही नहीं है, तो नहीं का आंसर हमारा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आर्थिक जीवन का वर्णन करता है ऐसा नहीं है। यह राजनीति बिल्कुल सही है, वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, अर्थशास्त्र मूलतः राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। आप सभी को पता ही होगा कि ये कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र हमारा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक शास्त्र की एक बुक है। इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय जो हैं राजा, राज्य व राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि हैं। इसमें राज्य के आर्थिक स्रोतों के बारे में तो चर्चा है, परंतु यह तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन नहीं करता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से प्रायः की जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो वही अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? तो ये करता है राजतरंगिणी। तो श्रीनगर बसाने का श्रेय भी अशोक को ही जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अशोक एक महान निर्माता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बराबर की गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक जो है नगर बसाया था। तो एक श्रीनगर हो गया कश्मीर में और नेपाल में देवपाटन नगर बसाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये अशोक जो है महान निर्माता है, उन्होंने बहुत सारे अभिलेख लगवाए, साथ ही साथ नगर भी बसाने का काम इन्होंने किया था। तो श्रीनगर और नेपाल में जो है देवपाटन नगर भी बसाए थे। ये किसके अकॉर्डिंग है? राजतरंगिणी के, कल्लड़ की जो राजतरंगिणी है उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी दी गई है। दिव्यदान बौद्ध ग्रंथ, इसमें अशोक की माँ का नाम शुभ्रदांगी मिलता है। और सिंगल अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उनके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आगे देखते हैं, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, वो एक कहाँ का शासक था? तो ये था सीरिया के शासक थे, सीरिया के शासक थे। यूनानी शासक सेल्यूकस चंद्रगुप्त से पराजित हुआ, जो सीरिया का शासक था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का अधिकार सेल्यूकस, मतलब सिकंदर की मृत्यु हो गई, और सिकंदर का ही एक व्यक्ति था, और उसने जो है उसके जो सिकंदर के पूर्वी क्षेत्रों पर क्या है वो उत्तराधिकारी हुआ था सिकंदर के बाद सेल्यूकस। और सेल्यूकस ने बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। उधर चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य निर्माण में व्यस्त था। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस, जो इस समय सीरिया से शासन कर रहा था, अपने पूर्वी अभियान के क्रम में सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त से आ टकराया। लेकिन दोनों के बीच संधि तथा वैवाहिक संबंधों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। इस विवरण से यही स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 305 में, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस, सेल्यूकस कौन था? सीरिया का राजा था। और ये राजा कब था? जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, तो उसके पूर्वी भाग जो थे सिकंदर द्वारा जीते हुए, उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? सेल्यूकस बना था। तो
और इधर चंद्रगुप्त मौर्य की अपनी शक्ति बढ़ गई थी, तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। फाइनली चंद्रगुप्त जीत जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को भारत पर आक्रमण का अधिकार किया था? तो आंसर प्लूटार्क हो गया, प्लूटार्क हो गया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को नंद के उन्मूलन तथा पंजाब सिंध में विदेशी शासन का पंजाब और सिंध में विदेशी शासन का अंत करने का श्रेय नहीं, वर्णन उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना अधिपत्य स्थापित किया था। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उनके कब्जे में था। यूनानी रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा गया है, जिसका समीकरण चंद्रगुप्त ने विलियम जोन्स ने स्थापित किया है। आगे देखते हैं, यूनानी रोमन साहित्य में सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने स्थापित किया है? तो विलियम जोन्स हो जाएगा, विलियम जोन्स। आगे देखते हैं, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो ये बताता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो हमारा आंसर होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख हमको ये बताता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका पश्चिम पर भी उसका अधिकार था। ये अभिलेख रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख बताता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर व्याख्या दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रमाण उसके किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख से हमें ये पता चलता है। जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। यही झील जो है सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। इस झील का निर्माण कार्य जो है सम्राट अशोक के काल में उसके गवर्नर तुषाप के समय में हुआ। जब ये नहर यहाँ से निकाली गई थी रुद्रदमन के समय में उसका बांध टूट गया था। उसकी मरम्मत जो है रुद्रदमन ने अपने राज्यपाल सुविशाख से करवाई थी। तो यहाँ पर जो है ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का तो पता चल गया कि इनका जो शासन है वो पश्चिम तक था, और कहाँ से पता चलता है? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा एक झील का निर्माण करवाया गया था। फिर वही बात आती है कि अशोक के समय में कौन थे? तुषाप ने इस यहाँ पर जो है जो बांध बनाया गया था वो टूट गया था, तो उसका मरम्मत करवाई थी। तुषाप के समय यहाँ पर नहर निकली थी, और रुद्रदमन के समय जो है यहाँ पर बांध टूट गया था, और उसकी मरम्मत किसने कराई थी? सुविशाख ने करवाई थी। स्कंदगुप्त ने भी इस बांध का मरम्मत करवाया था। तो पैसा लगाने की बात जो है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदम पुष्य, यहाँ पर जो है ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। आगे देखते हैं, जल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, तो आंसर हमारा पुष्यगुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महाक्षत्रप।
तो यहाँ पर थे। अब तो यहाँ पर थे निम्नलिखित में से किस वंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम, नहीं नहीं ये वाला नहीं था। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन था कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो वही रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयन संबंध रखते थे, तो आंसर मौर्य काल हो जाएंगे। मौर्य काल जो है सीरिया, अब यहाँ पे सीरिया आ गया तो आपको समझ लेना चाहिए ये सेल्यूकस के बारे में हो रहा है, सेल्यूकस आ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं, मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयन संबंध रखते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया के शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीस मेगस्थनीस यहाँ पर आए थे दरबार में भेजा था, किसने, सेल्यूकस ने, और स्टेवो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत किसके समय में भेजा था, बिंदुसार के समय में भेजा था, यह मेगस्थनीज के स्थान पे आया था, तो सबसे पहले मेगस्थनीज आएंगे फिर डायमेकस आएंगे। एथेनियस एथेनियस नामक जो है एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र का विवरण दिया है। अशोक के अभिलेखों में भी एंटियोकस जो है नामक सीरियाई नरेश का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगस्थनीस भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं, उनके अन्य नाम जो है कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त हैं, वे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी रह चुके हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नंद वंश का विनाश कर दिया था तथा चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। इसके द्वारा रचित जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीतिक अर्थनीति तथा समाज नीति का महान ग्रंथ है। आगे है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जस्टिन। जस्टिन ने ऐसा कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट विश्वविजेता सिकंदर की भेंट हुई थी, जस्टिन ने ऐसा कहा है। प्राचीन भारत के राजनीतिक मंच पर ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टिन, यदि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा था, उसकी पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से हुई है। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथि क्रम की आधारशिला बन गई। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था जिसमें मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल था। आगे देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आगे है, मालवा, गुजरात और एवं महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, बाकी तो सभी ने जीते थे लगभग लगभग, तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले उन्होंने जीता था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे, श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, तो आंसर हमारा श्रवणबेलगोला हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में राज्यारोहण किया था इन्होंने। मेगस्थनीज इनके साम्राज्य में आने वाले यूनानी राजदूत था। इनका मंत्री जो है चाणक्य था। ग्रंथ जो है राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन को
सिंहासन सौंप कर चंद्रगिरी यानी कि श्रवण वेलगोला चले गए और यहीं पर संलेखना मतलब उपवास के द्वारा अपना जो जीवन है उसका अंत कर दिया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के ये अभिलेखों से पता चलता है। अशोक का रुम्बनदेही लघु स्तंभ लेख अन्य सभी अभिलेखों से सर्वथा भिन्न है। इससे अशोक ने किसी भी रूप में धर्म का उल्लेख ना कर कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख मात्र किया है। इसमें ज्ञात होता है कि जिस क्षेत्र में वह स्तंभ स्थापित है वह क्षेत्र लुम्बिनी है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। वहां अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में आकर पूजा की थी और वहां भगवान बुद्ध की जन्म स्थली को पत्थर की विशाल दीवार से घिरवाया था और एक स्तंभ स्थापित किया था। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि कर समाप्त कर दिया था, तो यहाँ पर बलि कर को समाप्त भी किया था और भाग कर को घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो एक तो समाप्त कर दिया और एक को घटा दिया था, एक कर को जिसको भाग कर बोला करते थे, 1/8 घटाया था, 1/8 कर दिया था। आगे देखते हैं, अशोक का रुम्बिनी स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से। आगे देखते हैं, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो रुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? रुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने अपने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आंसर सभी को पता है, जेम्स प्रिंसिप। व्याख्या देख लेते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के ब्रह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई। पत्थर पर उत्कीर्ण प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में है। अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्रह्मी लिपि का पता चलता है। आगे देखते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में? ब्रह्मी लिपि, सॉरी यहाँ पर भाषा पूछी है ना कि लिपि, तो आंसर हमारा प्राकृत हो जाएगा, प्राकृत। वह स्थान जहां प्राकृत प्राक अशोक ब्रह्मी लिपि का पता चलता है, तो अनुराधापुर हो जाएगा, अनुराधापुर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। आगे है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अपने 8 वर्ष जो है राज्याभिषेक होने के 8 वर्ष बाद उन्होंने कलिंग की यात्रा कलिंग विजय की थी। इसके अलावा जो है यात्रा पर गए थे वो 20वें वर्ष थी। तो अशोक सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में तथा कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग युद्ध में अशोक को अहिंसा और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करने हेतु प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया था। कलिंग युद्ध का विवरण जो है 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। श्रीलंका में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। गुर्जरा यानी कि दतिया व कालसी देहरादून से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कलिंग युद्ध का विवरण जो है 13वां शिलालेख से प्राप्त होता है। श्रीलंका में
अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिलता। याद रखना, श्रीलंका में कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। यहाँ की गुर्जरा, यानी कि गुर्जरा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, दतिया के, दतिया जिले में। तो गुर्जरा में मिलता है, कालसी यानी देहरादून में मिलता है। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी अशोक के शिलालेखों के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, तो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। आगे देखते हैं, अगला है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात मिलता है 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिला, तो श्रीलंका देखा था हमने, श्रीलंका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो ये हो जाएगा हमारा निगाली सागर स्तंभ लेख। कौन सा, निगाली सागर स्तंभ लेख। इसकी व्याख्या देखते हैं, निगाली सागर स्तंभ लेख में लिखा है कि 14 वर्ष से अतिरिक्त देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने पूर्व बुद्ध कनक मुनि का स्तूप का आकार बढ़ाकर दुगना करवाया और उसके राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद जो है अभिषिक्त राजा ने स्वयं आकर पूजा की और विशाल स्तंभ स्थापित करवाया था। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में अल्पव्यय एवं अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। तो अशोक ने अपने सातवें शिलालेख में अल्पव्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। अशोक ने ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय एवं अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है, तो सातवें में माना है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने का जो ट्रेंड है वो अभी शुरू हुआ है, अभी देखने को मिल सकता है आपको, तो याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है, तो द्वादश शिलालेख जो है वो धार्मिक उदारता का और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, तो एक है धार्मिक उदारता और दूसरा है सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना है। आगे देखते हैं, अगला है, धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने विभिन्न शिलाओं एवं स्तंभों के ऊपर उनके सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये लेख उनके साम्राज्य में प्रत्येक कोने में लगवाए गए थे। उनके दीर्घ शिलालेख 14 बातों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अपने शिलालेख में 12वें लेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों की वृद्धि हो क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि 12वें लेख में 12वें लेख में लिखा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, तो यहाँ पर याद रखिए स्तंभ लेख शिलालेख हो जाएगा। शिलालेख 12वां है, ये 12वां रोमन में लिखा है इसलिए 12वां है ये 12वां, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो वही 12वां हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का कौन सा शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। धार्मिक संश्लेषण मतलब हमें अपने जो धर्म है उसको बुराई नहीं करना, दूसरों की नहीं करनी है,
इस तरह से, मतलब किसी की नहीं, तो धार्मिक संश्लेषण किया गया है तो बार बार शिलालेख सही हो जाएगा। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं, तो आंसर केवल ब्रह्मी ब्रह्मी में, केवल ब्रह्मी में स्तंभ लेख जो है केवल ब्रह्मी में। अशोक के सभी स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब यहाँ पर इस तरह से जो है स्तंभ एक पत्थर है, उस पर जो है यहाँ पर 14 बातें लिखी गई हैं। तो स्तंभ लेख जो है सभी गुहल लेख और अधिकांश शिला लेख में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। कुछ बृहद, बृहद मतलब बहुत बड़े शिलालेख, और कुछ लघु शिलालेख में खरोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। उत्तर पश्चिम में जो है अशोक के शिलालेख मिलते हैं वो आरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी में मिलते हैं। अशोक का पांचवां शिलालेख धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख करता है। तो याद रखिए अभी तक हम 12वीं की बात कर रहे थे, जहां पर धार्मिक उन्होंने संश्लेषण किया है, और यह जो पांचवा शिलालेख है ये बात करता है धम्म महामात्र की नियुक्ति। तो पृथक कलिंग शिलालेख एक में अशोक घोषणा करता है कि सभी मनुष्य जो है संतानें हैं गुर्जरा मास की, नेटुर और उदय उर गेलम में अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी सभी मनुष्य जो है मेरी संतानें हैं, तो डी ऑप्शन पृथक कलिंग शिलालेख में किया है। आगे है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, आंसर जो है हमारा आरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी यहाँ पर सही हो जाएगा। पश्चिमोत्तर की बात हो रही है इसलिए आरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुजरा नास मास की, तो गुर्जरा यहाँ पर मिल गया है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धम्म महामात्रों की जो है उल्लेख करता है? तो नौवां शिलालेख जो है, दसवां शिलालेख जो है वो यहाँ पर सही है। तो धम्म महामात्रों की उल्लेख करता है दसवां शिलालेख, ओ सॉरी पांचवा, पांचवा, दसवां तो ये है। तो पांचवा शिलालेख जो है वो धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है। आगे देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी तो यहाँ पर जो है दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक ने अपने दूसरे मुख्य शिलालेखों में कहता है कि मैंने अपने साम्राज्य की सीमा पर स्थित पड़ोसी शक्तियों, जिसमें कि दक्षिण चोल, चेल, पांडे, सारिपुत्र, किरण पुत्र, चोल पांडे, चोल हो गया और यहाँ पर चेल कर लीजिए, चेल क्योंकि एक साथ बोलने में और याद करने में सही रहेगा, तो चोल, चेल, चोल, चेर, पांडे, सरी, सत्य पुत्र और केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी एवं उसके पड़ोसी राज्यों में दो प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा। तो अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उन में भी वो मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा की वो यहाँ पर बात कर रहा है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा शिलालेख है उसका, कौन से नंबर की बात हो रही है, यहाँ पर दूसरे मुख्य शिलालेख में कह रहा है वो। अतः दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राजाओं का नाम उल्लेख है। अब यहाँ पर है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है?
तो यहाँ पर चोल की बात हुई थी, पांडे की बात हुई थी, सारिपुत्र की बात हुई थी, तो किसकी नहीं हुई थी? सातवाहन की नहीं हुई थी, तो आंसर हमारा सातवाहन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांडे, केरल पुत्र और सत्य पुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? तो द्वितीय था, द्वितीय हो जाएगा शिलालेख, द्वितीय हमारा सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पांच यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? पांच यवन, यवनों के बारे में बात हो रही है, तो पांच यवन शासकों की बात है, तो 13वां जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? 13वां शिलालेख। भारत के जो है पड़ोसी जो राज्य थे वो केरल पुत्र, सत्य पुत्र और ये चोल चेल पांडे, ये तो है द्वितीय मिलता है, लेकिन यवन राज्यों का नाम, राजाओं का नाम जो है वो 13वें में मिलता है। तो ये नाम देख लेते हैं और ये नाम और इनके राजा भी देख लेते हैं, क्योंकि जैसे कि ये तुर्मे कहाँ का राजा था ये भी यूजीसी नेट पूछ चुका है, तो बाकियों की भी पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो आप उसको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अशोक के 13वें शिलालेख में पांच यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। पहला है एंटिओकस, द्वितीय एंटिओकस कहाँ का था? सीरिया का था। मिलान में भी कई बार पूछा है, तो मिलान करने के लिए भी याद रखना है। टॉलेमी टॉलेमी फिलाडेल्फस, तुर्मय मिश्र का, मगन मगस जो है सरीन का, अलेक्जेंडर इपियस। आगे है एंटीओगन, एंटीगोनस, गोनाटस मकदूनिया का। इसके अलावा अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तिश्य था, इसके अलावा सिंघल नरेश तिश्य था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है, और अभी 13, 14, 16, 17 के आसपास जो पेपर हुए हैं यूजीसी नेट, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछे गया है। तो अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा? तो मिश्र का था, आंसर ये हो जाएगा। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कहाँ का था? तिस्से था, तिस्से याद रखिए, तिस्से था, ये भी पूछा जा चुका है। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो मकदूनिया की बात हो रही है, तो आंसर हमारा एंटीगोनस हो जाएगा, एंटीगोनस, मकदूनिया एंटीगोनस। आगे क्वेश्चन है, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का राजा था? टॉलेमी डिलाव फिलाडेल्फस जो है वो मिश्र का है, यहाँ पर मिश्र दे रखा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक के जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वस्तुतः राजधर्म था? तो ये कौन कह रहा है? ये फ्लीट था, लीट कह रहे हैं कि धम्म को वो राजधर्म मानते हैं, कौन? फ्लीट। तो इतिहासकार फ्लीट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं, जबकि राधा कुमुद मुखर्जी ने धम्म को सभी धर्मों की साझा संपत्ति बताया है।
V.S. इस्मत जैसे विद्वान भी इसी मत को मानते हैं एवं धम्म को सभी धर्मों का सार मानते हैं। V.R. भंडारकर धम्म को उपासक बौद्ध धर्म से संबंध करते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविध आधार पर अपने राजधर्म की स्थापना किया था। अशोक ने ही संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था। आगे देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? तो आंसर अशोक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी 30। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा पुरमुख कहा जाता था। मेगस्थनीस ने अपने ग्रंथ इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति जो है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति जो है विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा आदि का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जो है जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति जो है नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी जो है उद्योग समिति थी जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती तथा मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड दिलाती थी। छठी समिति कर समिति थी जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलती थी। आगे निम्नलिखित में से कौन स्रोत जो है मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा मेगस्थनीस की इंडिका। आगे मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एग्रोनोमोई अधिकारी जो संबंधित है वो है निर्माण कार्य से। किससे है? निर्माण कार्य से संबंधित है। मौर्य काल में जिले का प्रमुख जो है आहारपति था जिसे मेगस्थनीस ने एग्रोनोमोई कहा है। ये सड़क निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी था। नाप तौल के अधिकारी को पोता, वध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंध के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। एग्रोनोमोई ये जो है UGC नेट में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगे अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को आकाराध्यक्ष कहा गया है? आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को आकाराध्यक्ष कहा गया है? आकाराध्यक्ष सही हो जाएगा। पोतावध्यक्ष जो है वो है नाप तौल का अधिकारी। पोतावध्यक्ष जो है नाप तौल का अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य युगीन अधिकारी नाप तौल का प्रभारी था? तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा पोतावध्यक्ष। आगे देखते हैं, मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो आंसर हमारा समाहर्ता हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखें तो इकट्ठा मतलब समा जोड़ना, इकट्ठा करना, तो समाहर्ता। आगे देखते हैं, मौर्य कालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? तो आंसर हमारा जौगड़ हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र समापा का समीकरण काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समापा पूछा गया, समापा
का समीकरण जौगड़ से है, समापा का समीकरण किससे है, जौगड़ से है। कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक द्वारा कलिंग में दो प्रशासनिक केंद्र स्थापित करवाए गए थे, इसमें उत्तरी केंद्र की राजधानी तोशली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी समापा, जिसे जौगड़ भी कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो है डिवाइड भी पूछ सकते हैं कि जब कलिंग को विजय कर लिया गया, फिर वहां पर जो स्थापित किए गई प्रशासनिक चीजें उसमें से उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में डिवाइड किया, उत्तरी भाग की राजधानी तोशली थी और दक्षिण भाग की समापा या जौगढ़, जबकि तोशली को धौली, तोशली जो है इसको धौली भी बोलते हैं, धौली, तो याद रखना तोशली को धौली और जौगढ़ को समापा कहते हैं। आधुनिक धौली और जौगढ़ जो है पृथक शिलालेखों में सम्राट अशोक द्वारा तोशली और समापा के महामात्यों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत्र व्यवहार हो। इस अभिलेख के आधार पर धौली को तोशली और समापा को जौगढ़ के रूप में पहचाना गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था, मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था, तो तोसली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था, तो सौराष्ट्र का गवर्नर जो था, सौराष्ट्र पूछा, तुषाप हो जाएगा, तुषाप जो पानी की व्यवस्था करता है, नहर वहर जो टूट जाती हैं वो सब निर्माण विमाण करता है, ये तुषाप ही था। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर यवन राज तुषाप था। शुभशाप चंद्र रुद्रदमन के काल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द जो है गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सातवां अंग जो है मित्र है, और अगर हम इन्हीं सात अंग की बात करें मित्र को छोड़ के, तो यहाँ पर स्वामी है, अमात्य है, कोश है, दुर्ग है, जनपद है और जनपद या बल। आगे देखते हैं, जनपद व बल है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है, तो सातवां अंग हमारा मित्र हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है, संस्था संस्था का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य ही हो जाएगा। मौर्यों के शासनकाल में भारतवर्ष जो है सीमा विस्तार हुआ। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से मैसूर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अपरान तक अर्थात अरब सागर था। इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहते हैं, जैसे कि मैंने भारत के नामकरण में भी बताया था, जो प्रथम लघु शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है। अपने साम्राज्य के संबंध में अशोक का उद्गार इस प्रकार है, महाबोली ही विजिते, महते ही विजिते, सर्वपुट व्ययम यानी सर्व पृथ्वी। आगे, मौर्य काल में दंड विधान है, किस प्रकार के थे, तो काफी कठोर हुआ करते थे दंड विधान। मौर्य काल में दंड विधान अत्यंत कठोर थे, सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने देने होते थे। इसके अतिरिक्त कैद, कोड़े मारना, अंग भंग करना, मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों की अंग रक्षित करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था, वह जल, अग्नि और विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। आगे है, अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे, तो अशोक के शासन काल में कुमार जो नियुक्त थे, तक्षशिला, तोशली और उज्जैनी, तक्षशिला, तोशली और उज्जैनी में थे। प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। उसके अभिलेखों में पांच प्रांतों के नाम मिलते हैं, उत्तरापथ यानी कि तक्षशिला, अवंतीरठ यानी कि उज्जैनी एमपी वाला,
एरिया जो है। कलिंग यानी तोशली, जिसको धौली भी बोला है। दक्षिणापर्थ यानी कि सुवर्णगिरी। प्राच एवं पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र राजनीतिक महत्व के प्रांतों में राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को राजपाल नियुक्त किया जाता था, उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तौशली और उज्जैनी में इस प्रकार के कुमारों की नियुक्ति की जाती थी। चंद्र मौर्य काल में राजुक अधिकारियों का एक वर्ग हुआ करता था। राजुक जो है तो ये मौर्य शासन के अधिकारी हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से कहां पर मिलता है? तो मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत जो है मेगस्थनीज, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि जो है व्याप्त थी। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उपजाऊ थी। लोग नैतिक दृष्टि और उत्कृष्ट थे तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय साहसी वीर तथा सत्यवादी होते थे। उनकी वेशभूषा जो है साधारण हुआ करती थी। गेहूं तथा जो प्रमुख खाद्यान्न थे। मेगस्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ण थे: दार्शनिक, कृषक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण, सभासद। मेगस्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उनके अनुसार भारतीय यूनानी देवता जो है डायनोसस तथा हेराक्लीस की पूजा करते थे। वस्तुतः उसका शिव और कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। मेगस्थनीज के अनुसार प्राचीन काल में दास प्रथा जो है विद्यमान नहीं थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगस्थनीज कहते हैं कि भारत में दास्ता प्रथा नहीं थी, क्योंकि वो जहां से आया था वहां पे दास्ता जो थी वो कुछ और तरह की थी। इसलिए उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छी अवस्था में, इसलिए उसने कहा कि यहाँ पर दास जैसी कोई चीज ही नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धन्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिसका संकट जो है संकट काल में, मतलब जब अकाल पड़ गया तब उस चीज को वो बता रहा है? तो सहगौरा ताम्रपत्र यहाँ पर सही हो जाएगा। सहगौरा अभिलेख में 2 ऐसे मतलब धन्यागारों के निर्माण का उल्लेख मिलता है जिसका उपयोग संकट काल में किया जाना था। सहगौरा जो है कहाँ पर है? गोरखपुर में अवस्थित है। मधुबन ताम्रपत्र हर्ष से दामोदरपुर ताम्रपत्र, अशोक ताम्रपत्र गुप्त शासक कुमारगुप्त और पूना ताम्रपत्र जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से संबंधित है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष, तो सीताध्यक्ष कृषि से संबंधित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता जो है ये भी जो है यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यों से संबंधित 27 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि से तात्पर्य राज्य द्वारा ज्योति जाने वाली भूमि है। इसमें कुछ प्रमुख है लक्षण, ये बिल्कुल याद रखने हैं। लक्षणा जो है मुद्रा और एवं टकसाल से संबंधित अध्यक्ष होता था। इसे सिक्के जारी करने का अधिकार हुआ करता था। कौन सा? लक्षणा जो है टकसाल और सिक्के। पोताध्यक्ष नापतोल का अधिकारी। अकराध्यक्ष मतलब बनों या सॉरी खानों से संबंधित था। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। बबीता मतलब चारागाहों का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष। गणिका मतलब वेश्याओं का निरीक्षण करता था। मुद्रा अध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। तो मुद्रा से मुद्रा ऐड नहीं करना है, याद रखना है। मुद्रा अध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। और यहाँ पर क्या, लक्षणा जो है लक्षणा जो है मुद्रा और टकसाल से हमको संबंधित करना है। और सोना ये तो ठीक है। आकरा अध्यक्ष जो है वो खानों से संबंधित है।
आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। सीता भूमि जो है, सीता भूमि हो जाएगी हमारी राज्य द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्थवाह क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सार्थवाह जो है व्यापारियों का काफिले हुआ करते थे। तो प्राचीन काल में बहुत ही रास्ता बहुत ही सुनसान हुआ करता था, लूट लूट जाने का जो है ज्यादा खतरा रहता था, इसलिए एक काफिला बना के जो है सारे लोग एक जगह से दूसरे व्यापार करने के लिए जाया करते थे, मतलब अकेले नहीं जा सकते थे उस समय, इसलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको सार्थवाह कहा गया। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि अतः व्यापारी जो है सार्थवाह के रूप में साथ साथ और वह साथ चलने वाले लोग व्यापार करते थे, जो एक प्रकार का व्यापारियों का ही काफिला होता था जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोग हुआ करते थे। वस्तुतः सार्थवा व्यापारियों का ही समूह था और सार्थ व्यापारी प्रधान हुआ करते थे। मौर्य काल में आद्यो मात्रक भूमि से तात्पर्य जो है वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो, उसको क्या कहते थे, आद्यो मात्रक कहते थे। मौर्य काल में द्रोण अनाज की एक मापक इकाई थी। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, द्रोण तो यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, लेकिन अभी ये वाला जो क्वेश्चन है आद्यो मात्रक ये इससे संबंधित है। सबसे पहले ये जानना है कि मौर्य काल में था ये, और भूमि से तात्पर्य था इसका देव मात्रक का, और इसका अर्थ होता था बिना वर्षा के ही बहुत अच्छी फसल हो जाए, वो उस वाली भूमि को देव मात्रक कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए देव मात्रक फिर से आ गया है, तो बिना वर्षा के अच्छी खेती हो जाना ए ऑप्शन। द्रोण एक माप होती थी तो अनाज के लिए। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगस्थनीस के स्थान पर कौन आया था, तो डायमेकस आया था, डायमेकस। मौर्य शासक बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी राज्यों के साथ मैत्री संबंध स्थापित रहा। स्ट्रेवो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, वह है मेगस्थनीस के स्थान पर आया था। प्लीनी हमें बताते हैं कि मिस्र का राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो आंसर हमारा ब्राह्मी हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे मिलते हैं, इसी ब्राह्मी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कह सकते हैं। ब्राह्मी के अलावा खरोष्टी भी और आरमाइक लिपि के भी अभिलेख खुदवाए गए थे, लेकिन ये संख्या में कम है और देश के पश्चिमोत्तर भाग में ही पाए जाते हैं, बल्कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो आंसर अशोक हो जाएगा। सारनाथ वाला भी है जो है अशोक ने बनवाया था, याद रखेंगे। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। सांची एवं भरूत के स्तूपों का मूल रूप से निर्माण जो है अशोक ने ही करवाया था, तो सांची हो गया और भरहूत हो गया, ये अशोक द्वारा ही करवाए गए थे। सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर विदिशा के समीप स्थित है। इसकी खोज 1818 में जनरल रॉयलट ने की थी। यहाँ एक बड़ा और दो छोटे स्तूप है। यह स्तूप ईंटों का बना था जिसमें लकड़ी की बाड़ थी। सांची का स्तूप जो है अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चंपारण में अशोक द्वारा
स्थापित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभलेख सबसे सुरक्षित स्तंभलेख है। आगे देखते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभलेख लौरिया नंदनगढ़ है। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो यहाँ पर सांची का स्तूप हो जाएगा, सांची का स्तूप। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से स्मारकीय पाटलिपुत्र राजधानी की खोज के लिए जाना जाता है, जिसका पता 1895 में एल ए वाडेल द्वारा लगाया गया था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। आगे, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल जो है शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है, बराबर पहाड़ के क्षेत्र में। अशोक के दोनों से लाभान्वित होने वाले कौन से थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आजीविकों के लिए बनाई गई थी बराबर की गुफाएं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मानुयायी था, तथापि अपने विशाल साम्राज्य में उसने कहीं भी किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के प्रति अनादर या असहिष्णुता नहीं प्रदर्शित की। उसने बराबर यानी कि गया जिला पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए कुछ गुफाएं जो है निर्मित करवाई थी। अशोककालीन बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। प्रथम का निर्माण अशोक ने अपने शासन काल के 12वें वर्ष किया था और द्वितीय का 19वें वर्ष में किया था। सुदावा की गुफा और कर्ण चौपड़। आगे है, निम्नलिखित राज्यों में से बाघ की गुफाएं किस में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित है। ये गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं की खोज 1818 में जेंडर फील्ड ने की थी। इन गुफाओं का संबंध जो है लौकिक चित्रकला से है। जेंडर फील्ड ने की थी 1818 में बाघ की गुफाओं का खोज, और ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बाघ नदी के किनारे पर है, धार जिले में। आगे, निम्नलिखित में से कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? तो आंसर महानंदन हो जाएगा, महानंदन। महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंद शासक उग्रसेन, महापद्मनंद, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी शानक, दशा सिद्धक, कैरवर्त, धनानंद लास्ट थे, और फिर मौर्यवंश की स्थापना हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि नंदवंश के महानंदन नहीं थे। महापद्म नंद ने शिशु नांग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर 344 ईसा पूर्व में अधिकार कर लिया था। पुराण में इसे महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा महापद्म नंद था। नंदों का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन से हैं? तो आंसर हमारा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख जो है साक्ष्य हमको मिलते हैं खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा कलिंग से उठा ले गए तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो कलिंग में भी एक नहर का निर्माण जो है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार पर किन वर्णों के लिए खुले थे? तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक जातक में उल्लिखित है कि एक आचार्य से 103 विद्यार्थी धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य के यहाँ
क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य के साथ दर्जी और मछली मारने वाले निम्न जाति के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो इस युग की जाति व्यवस्था के लचीलेपन की ओर इंगित करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद जो है मौर्योत्तर काल के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे, तो बिल्कुल क्रम से ही जो है क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। आप इसको जरूर से जरूर फॉलो करिए, जब तक ये जून में पेपर जब भी अनाउंस होगा, पहले तो फॉर्म फिल होगा, फिर उसके बाद, तो अभी काफ़ी टाइम है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको लिखिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।